साथी हूँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है, आज अंबेडकर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, गौतम बुद्ध जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस थोड़े से पॉइंट में बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप लोग बड़ा गौर से सुने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो देखिए, आज के दौर में क्या हो रहा है, मैंने बहुत जगह जब मैंने स्टडी करना शुरू किया अम्बेडकर जी के बारे में, तो इस दौरान मैं बहुत जगह गया। जो लोग अम्बेडकर जी को मानते हैं, जो अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, अम्बेडकर जी को आदर्श मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी दिखाई दी। कमी ये दिखाई दी गई कि उनकी शिक्षाओं पे तो बहुत कम फॉलो हो पा रहे हैं, लेकिन उनको ही अब पूजना शुरू कर दिया है। उनके नाम पे जब कोई उनके सामने अगर बत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, और यानी उनको ही धीरे धीरे भगवान की यानी भगवान बनाना शुरू कर दिया गया है। यानी उनको पढ़ना नहीं है हमें, उनको जानना नहीं है, यानी उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या सारी चीज़ें की जिससे हमारे समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया, और किस तरह से उन्होंने शिक्षा के ज़रिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। और सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं हम, और उनकी पूजा पाठ करने में लग जाते हैं। 14 अप्रैल आता है, बस क्या करेंगे, जो है उनके सामने कैंडल जला देना, उनके सामने आरती करना, यानी इस तरह के कार्य मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा। यानी कि क्या किया उन लोगों ने, उनको धीरे धीरे भगवान बनाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने शिक्षा दी थी, उन्होंने जिस चीज़ के वो खिलाफ थे, जिस चीज़ के खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि लोग शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित हों, शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, लेकिन उस चीज़ को छोड़कर आज जो है हम दूसरी ही चीज़ों में लगना शुरू हो गए। वही हाल गौतम बुद्ध जी का भी था। गौतम बुद्ध जी ने जो है सबको सही और सही तरीका अपनाने का रास्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि जो है आप लोग जो है सभी इंसान बराबर हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही बात के लिए उन्होंने किया, सारे प्रयास किए सबको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, गौतम बुद्ध जी ने भी सबको बराबर ही कहा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद आप मेरी जो है पूजा करना शुरू कर दीजिएगा, आप मेरी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाइएगा, और आप मेरी बड़ी बड़ी जो है फ़ोटो बनाकर घर में सजाइएगा, और उसके बाद जो है आप उसके सामने अगरबत्ती लगाइएगा या मोमबत्ती जलाइएगा। ये कभी उन्होंने बात कही ही नहीं। वो भी इंसान थे। तो हाँ, वो हमारे आदर्श हैं, हमें उनके रास्ते पे चलना है। जो उन्होंने रास्ता बताया था उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना चाहिए, उनके जो बताए हुए रास्ते तरीके थे उस तरीके से हमें ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, ना कि हमें उनको पूजना कर चाहिए। आज हमारा फ़र्क बस यहाँ पर इतना हो गया है कि हम उनको मान रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे हैं, फ़र्क बस इतना हो गया। यही चीज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी हो रही है, उनको मान रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। लोगों को मेरी बात थोड़ी कड़वी भी लगे, लोग कुछ लोग नाराज़ भी हमसे हो सकता हूँ, लेकिन ये बात मैंने बहुत पॉइंटेबल कही है, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। हाँ, हमारे आदर्श हैं, इस बात को बिल्कुल तस्लीम कर रहा हूँ, हमारे आदर्श हैं जिन्होंने हमारे समाज को पढ़ाने का काम किया, हमारे समाज को उन्होंने जो है शिक्षा के रास्ते पे लाने का काम किया। उनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ हुई। हमारा सबसे पहला जो अहम काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि अम्बेडकर जी को पढ़ें, अम्बेडकर जी की ज़िंदगी को जानें, और जानने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें लोगों को बताने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें आसानी से हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा जब शिक्षा के रास्ते पर अग्रसर होगा और सही शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बुद्ध जी ने भी यही सही रास्ते दिखाए कि गलत काम मत करो, उन्होंने रोका, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया। हमें भी वही काम करना है, हमें ये काम नहीं करना है कि एक बुद्ध जी की मूर्ति लगाई और हमने पूजना शुरू कर दिया। मैं इस बात के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं आप
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मूर्ति लगाने से, उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। वही काम तो आप कर रहे हैं जो आप पहले करते, जिस तो शुरू पड़ा वही आप फिर से करना शुरू कर दिए, यानी आपने पूजना शुरू कर दिया, तो आपको पूजा नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी बातों का अनुसरण करना है, अपनी जिंदगी में उतारना है, अपनी जिंदगी में लाना है। क्या करना है? अपनी जिंदगी में लाना है, जिससे आप जो है आसानी से सारी चीज़ों को कर सकें, जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा, आपकी ज़िंदगी में जो है एक ऐसा कह सकते हैं कि आप मतलब जो है ऐसे मतलब इंसान बनेंगे कि समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। तभी समाज में अलग पहचान बनेगी जब हम महापुरुषों की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, ना कि महापुरुषों को पूजेंगे। पूजने से कुछ नहीं, हमें उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना है और वो जिस तरह से जिस रास्ते पे जैसे जैसे चले थे हमें चलने की ज़रूरत है। और सबसे अहम चीज़ उन्होंने बताई थी शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को सही कर सकते हैं। यही शिक्षा एकमात्र साधन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।